अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस में शामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके हैं पेल का रेफ्रिजरेटर 20170 इंटेलो सीरीज से, बहुत ही प्यारा ग्लास डोर के साथ। और आज की वीडियो में स्पॉन्सर किया खुर्रम इलेक्ट्रॉनिक्स 3 त्रामी ब्रांच ने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है मोर अपडेट मिलती रहे, जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा जिनको इस तरह का रेफ्रिजरेटर चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, आज हम रिव्यू लेके आए पेल के रेफ्रिजरेटर का, जो कि है 20170 इंटेलो सीरीज से। बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे जो है, टॉप पे राइट साइड पे जो है, आपको पेल का जो है लोगो मिल जाता है, जो कि इनका लोगो है पेल नाम ही, और 10 ईयर्स की जो है ब्रांड वारंटी देती है कंप्रेसर की। और बिल्कुल सेंटर में देखें तो आपको जो है एक पैनल सा नज़र आ रहा होगा, डिजिटल आपको जो है टेम्परेचर वगैरह सब कुछ नज़र आ रहा है। ये जो है फुली फंक्शन है, टच स्क्रीन है। आपको जो है आगे चल के जो है इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे, मतलब कि इसकी कैसे आपने इसको जो है ऑपरेट करना है और कैसे आपको जो करना है आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की या कलर की, तो कलर इसका ब्लैक कलर में है, जो कि आपको जो है मिरर देता है, बिल्कुल मतलब कि शीशे टाइप का जो है आपको डिज़ाइन मिलता है ब्लैक कलर, और उसके अंदर बीच में लाइनिंग है वाइट कलर की। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है क्लियर, मतलब कि जिसमें शीशे में आपको जो है नज़र आता है अपना अक्स, इसी तरह आपको नज़र आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं फ्रिज के जो अंदरूनी हिस्सा है, तो नीचे वाले हिस्से को खोलते साथ ही आप देख सकते हैं नीचे वाला हिस्सा हमने खोला तो आपको जो है तीन जो है आपको जो है वो मिल जाते हैं डोर रैक, जिसको कहते हैं या तो बोटल रैक कहते हैं, तीन जो है आपको बोटल रैक मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए इसके अंदर जो शेल्फ्स हैं वो कैसी हैं, तो शेल्फ आप देख सकते हैं ग्लास में और जो है तीनों साइडों से स्टील की जो है कोटिंग हुई हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर से, ऊपर जो इसका डिजाइन है बहुत ही प्यारा जो है, गोल सर्कल्स बने हुए हैं, तमाम डिजाइन बना हुआ है इस पे। और ये जो आपको ग्लास शेल्फ्स हैं वो तीन आपको मिल जाती है, सबसे ऊपर, नीचे, दरमियान में, और नीचे बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो आपको जो है एक बिग बॉक्स मिल जाता है, जिसके आप वेजिटेबल और सब्जियां वगैरह और फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। अगर बॉक्स देखा जाए, बॉक्स जो है बिल्कुल एयर टाइट होता है, बिल्कुल बांध होता है, इसीलिए जो ऊपर वाली साइड पे आपको जो है एक वो मिल जाता है, स्लाइडर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है इसको एयर टाइट भी कर सकते हैं, या तो आप जो है इसके अंदर हवा वगैरह आने जाने का रास्ता खोल सकते हैं। अगर ड्रेन की बात की जाए, ड्रेन आप देख सकते हैं नीचे वाले हिस्से में भी आपको ड्रेन मिल जाता है। और ये जो आपको जो है बड़ी सी LED लाइट मिलती थी, इसके अंदर जो है काफी ज्यादा लाइट्स लगी हैं। और ये जो ऊपर वाला बटन है, आपको ऑटो लाइट होता है, जो कि आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको जो है लाइट ऑन मिलती है, वो इसी बटन की वजह से मिलती है। और आपको जो है 2 एग ट्रेज मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप जो है 1 दर्जन एग्स रख सकते हैं। और अगर बात की जाए जिसकी वजह से एयर टाइट होती है रबड़ की, तो रबड़ भी इसकी जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रबड़ लगी हुई है, 3-4 लेयर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर बात की जाए जो है फ्रीजर वाला खाना, उसको खोलते साथ ही आप देख सकते हैं जो है 2 डोर रैक्स मिल जाते हैं आपको, और जो है 2 अदद जो है आइस क्यूब ट्रेज मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप जो है गर्मियों में जो है ठंडा पानी पीने के लिए आइस क्यूब ट्रेज को जो है जमा सकते हैं। और 1 अदद आपको जो है वारंटी कार्ड मिल जाता है और गाइड मैनुअल मिल जाता है। और इसके जो है वारंटी कार्ड के ऊपर जो है एक साइड पे जो है सीरीज नंबर वगैरह, बार कोड वगैरह मिला होता है, और मॉडल नंबर लिखा होता है, आप देख सकते हैं इसके जो है वारंटी कार्ड के ऊपर। और 1 अदद जो है आपको स्नैपर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है अगर आपकी बर्फ जम जाए नीचे वाली साइड पे या ऊपर वाली साइड पे फ्रीजर हिस्से में किसी भी जगह, तो आप बर्फ निकाल सकते हैं। आप छुरी, कांटा या कोई भी नोकेली चीज इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी जो है वारंटी क्लेम नहीं होगी अगर चादर फट गई। अगर बात की जाए इसकी शेल्फ्स की, शेल्फ्स अगेन आपको जो है ग्लास की मिलती है, ऊपर वाले साइड पे भी जो है प्रिंटेड ग्लास की जो है आपको शेल्फ मिलती है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बना हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। असल में ये हमने फ्रीजर चलाया था आपको जो है जो इसका टच पैनल है उसके लिए, तो इस वजह से जो है ठंडा पड़ गया ये। ये था हमारा फ्रीजर के खाने का जो है मुआयना, आपको करा दिया हमने, आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम है। और आपको जो है ओवरऑल ये जो है 16 क्यूबिक फीट का जो है रेफ्रिजरेटर का आपको दिखा दिया। अब आपको जो है हम बताएंगे टच पैनल किस तरह ऑपरेट होगा। सबसे पहले जो है आपने फ्रीजर को ऑन करना है, जो कि आपका जो है स्विच ऑन करेंगे तो आपका फ्रीजर ऑन हो जाएगा। सामने आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बटन है, तो सबसे पहले आपने जो है ऑन का बटन दबा देता है ना, तो आपको जो है तमाम पैनल जो ऑन हो जाएंगे। सबसे पहले जो है ऊपर वाले हिस्से में जो आपको फ्रीजर का जो है टेम्परेचर नजर आएगा, नीचे जो है रेफ का टेम्परेचर नजर आएगा। यू नो ऑन ऑफ का बटन आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ हो रहा है, आप देख सकते हैं सामने, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ के बटन के नीचे वाली साइड पे जो है काफी ज्यादा फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जो है एनर्जी सेवर का फंक्शन है। जब हमने जो है एनर्जी सेवर ऑन किया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टेम्परेचर जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप देख सकते हैं कूल पे टेम्परेचर कोई और है आपको जो है, और एनर्जी सेवर पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और इसका जो है दूसरा फंक्शन जो है सुपर फ्रीजर जो है, उसका दूसरा फंक्शन आप देख सकते हैं, अगेन जो है टेम्परेचर चेंज हो गया। कूल पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर फिर चेंज हो गया। जो है लास्ट वाला
जो इसका फंक्शन है, हॉलीडेज का फंक्शन है, चार फंक्शन होते हैं इसके आप देख सकते हैं। और ये तमाम पैनल आप देख सकते हैं, टच है, फुली टच आप जो है टच करेंगे वन क्लिक पे, जो आपको जो भी मोड करना हो ऑन वो आप ऑन कर सकते हैं। इस टच पैनल को जो है आप लॉक भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं सामने जो है नीचे वाली साइड पे आपको जो एक ऑप्शन मिलता है लॉक बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है 3 सेकंड। आप 3 सेकंड तक जो है इसके पे ऊपर जो है होल्ड रखेंगे तो जो है ये आप देख सकते हैं आप जो है लॉक हो चुका है, टच आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसको लॉक करेंगे, बच्चे सच्चे ठहरे छेड़ते हैं तो इस वजह से जो है बच्चे नहीं छेड़ते। अगेन का आपको जो है अनलॉक करके दिखाते हैं, आपको फिर से जो है 3 सेकंड जो होल्ड रखना है, फिर जो है आपका जो है लॉक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है एक ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं ये इसका स्पीकर है और आपको जो है नीचे वाली साइड पे ब्लूटूथ ऑप्शन मिलता है। अब हम जो है आपको जो है ब्लूटूथ ऑन करके दिखाते हैं। आपने जो है कोई भी मोबाइल ले लेना है, उस पर जो है ब्लूटूथ ऑन करना है, जो है सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर जो है ब्लूटूथ ऑन होगा आपका जो है अपने सबसे पहले जो है रेफ का जो है ब्लूटूथ वाला सिस्टम ऑन करना है। आपको जो है आवाज आ जाएगी ऊपर वाली स्पीकर से जो है ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। उसके बाद जो है आपने मोबाइल की सेटिंग ऑन करनी है। सेटिंग में जाके जो है आपने ब्लूटूथ ऑन करना है। नीचे आपको जो है काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देख रहे होंगे आपको जो है बकाया जो आपकी जो कनेक्ट है उसका ऑप्शन आ रहा है। बकाया आप सर्च करेंगे, ये स्कैनिंग हो रही है, सर्चिंग कर रहा है जो है सराउंडिंग में कोई भी जो है डिवाइस आएगी। अब इसका नाम जो है इसकी डिवाइस का नाम आपको जो ऑप्शन मिल चुका है पहल पाकिस्तान के नाम से जो है आपको ऑप्शन मिल चुका है। अब हम जो है इसको कनेक्ट करेंगे, पेयरिंग हो रही है अभी, ये आप देख सकते हैं पेयरिंग हो रही है इस वक्त, ये अब कनेक्टिंग हो चुकी है। आपको आवाज़ आई होगी, कनेक्टिंग हो चुका है, कनेक्टिंग की आवाज़ आ चुकी है। अब इसके अंदर जो है हम आपको कुछ लगा के दिखाते हैं, वेट इसके अंदर जो है ये जो है कलाम लगा रहे हैं, सुफियाना कलाम, आतिफ असलम का जो है वही खुदा है। आवाज़ आपको आ रही होगी, ये मैक्स आवाज़ है इसकी। मुझे यही डर रहेगा कि इसके ऊपर जो है कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, मुझे इस चीज़ का डर है। लेकिन आपका जो है मकसद मुझे आपको बताना था कि इसके ऊपर जो है आपको वो साउंड जो है कितना आ रहा है और क्या मतलब साउंड इसका कितना है, कैसे मतलब टच पैनल यूज़ होता है आप देख सकते हैं। आई होप आपको जो है तरीका आ गया होगा इसका टच पैनल कैसे ऑपरेट करना है। अगर आपकी जो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है ना, तो इस वीडियो को अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी मानिल्लाह।